डटे रहेंगे, यहां से हटने वाले नहीं है। इधर एक और बड़ी खबर है आज की झारखंड में, दोपहर 3 बजे तक अपडेट बता दें आपको, 59.28% मतदान हो चुका है, लगभग 60% मतदान 3 बजे तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। इलेक्शन अपडेट, सरायकेला खरसावां में सबसे ज्यादा 66.38% मतदान हुआ है कुल मिलाकर के, लेकिन 60% लगभग मतदान संपन्न हो चुका है। और ये बेहतर कहा जाएगा राजधानी रांची में, हालांकि सबसे कम 53.40% वोट पड़ा है। हजारीबाग जिले में 57.16% है, खूंटी में 63% के आसपास है, कोडरमा में 58%। और देखिए, अगर शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि शहरी इलाकों में एनडीए के लिए ये पॉजिटिव सिग्नल्स थे और ग्रामीण इलाकों में इंडिया गठबंधन के लिए। और अगर शहरी इलाकों में, जैसा कि रांची से खबर निकल कर आ रही है, सबसे कम यहां पर 53.40% मतदान हुआ है। मैं ऋषिकेश कुमार का रुख कर रही हूं। ऋषिकेश, जरा अभी तक की वोटिंग को रीड करिए, 60% मतदान और रांची में कम हुआ है, शहरी इलाकों में क्या कम पड़ रहा है, मतदान कम हो रहा है, इसका क्या असर हो सकता है, क्या मायने हो सकते हैं? आशा देखिए, न केवल रांची बल्कि जमशेदपुर में भी, जो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी है, हजारीबाग शहर है, कोडरमा जिसका आप कर रहे थे, तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, आप लोहरदगा चले जाएं, बगल में जमशेदपुर से सटा हुआ सिंहभूम का इलाका है, आप सीसई चले जाएं, जो ग्रामीण इलाका है वहां पर, उसमें कहा जा रहा है कि जहां पे जो भूमिज या फिर जिसे आदिवासी वोटर हैं, वहां पे वोटर जो तादाद है वो ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि जो ग्रामीण वोटर है वहां पे निकलने का, ग्रामीण वोटर आमतौर पर आदिवासी है, तो आदिवासी वोटर कितना इंटैक्ट है, 2019 में आदिवासी और मुसलमान 26% आदिवासी वोटर, 15% मुसलमान, 41% हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा परेशानी का सबब रहा था। तो देखिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से, आप लोगों ने वोट दे दिया है सर? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि शहर के लोग बहुत कम निकलते हैं, जमशेदपुर का हाल हो, रांची का हाल, जबकि थोड़ा जागरूकता आया है लोगों में, वोट देने निकले हैं लोग, और खुशी इस बात की है कि बहुत पीसफुल वोट हुआ है। अच्छा, क्योंकि बहुत जगहों पर ना कम्युनल जैसा मामला होता था, पश्चिमी में जो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर थे 90,000, वहाँ किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, और इस बार के चुनाव को लेकर आप लोगों की राय? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इंतजाम अच्छा रहा और बहुत पीसफुल वोट हुआ है, हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की। इस बार गारंटियों को लेकर महिलाएं सबसे केंद्र में हैं, तो किसकी गारंटी अच्छी है ये तो अभी बताना मुश्किल है, बताना हाउस वाइफ की टीम नहीं है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपने वोट किया है? जी। तो इस बार शहरी वोटर कम लोग निकलते हैं, आप लोग जनरली, तो इस बार गारंटियों का चुनाव है, तो किसकी गारंटी बेहतर है? गारंटी पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, गारंटी छोड़िए, लोग गारंटी देते हैं, लेकिन हमें ये हिंदुस्तान ने राइट दिया है कि हम अपना वोट करें और अच्छे व्यक्ति को चुने जो हमारे लिए बेहतर हो, और मैं तो चाहता हूं कि ये गारंटी वारंटी को खत्म करके बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, बाकी ये गारंटी वारंटी से। ऋषिकेश, घुसपैठ मुद्दा है क्या, जरा बात करिएगा, वोट यहाँ नहीं है भैया, कल भी इस पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये घुसपैठ मुद्दा है इस बार का? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं, हमारे यहाँ जमशेदपुर के आसपास में इस टाइप का कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, आप लोग वोटर हैं क्या, आप लोग यहाँ के मतदाता हैं? अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि शहर के लोग बड़ा कम निकलते हैं, इस बार आदिवासी मुसलमान घुसपैठी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा था, इस बार चुनाव में सब मुद्दा है, आप लोगों ने किस तरीके से देखे, अब तो वोटिंग हो गई है? नहीं, ऐसा तो मेरे नजर में कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं है, बस यहाँ यह देखना है कि जो इस जमशेदपुर का, इस एरिया का, इस क्षेत्र का जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा काम करेंगे, ऐसे लोगों, ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे। अच्छा। और हमने चुना है। चलिए, लोगों के लिए विकास मुद्दा है, लेकिन तमाम पार्टियों के लिए ऐसा नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश।